जेल हमेशा से ही विवादों में रहा है। 9 अक्टूबर के सुबह अपराधियों के दो गुट में गैंगवार भड़क गई। जेल अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की चेतावनी देने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक हुई वारदात से जेल में हड़कंप मच गया। बवाल मच जाने से रात को धनतोली थाने को सूचना दी गई। इसके आधार पर धनतोली पुलिस ने अजहर और फरदीन के खिलाफ जख्मी करनी और नूर आलम किशोर रामटेक असलम शेख पर मारपीट का एनसी मामला दर्ज किया है। 9 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे जेल अधिकारी जांच के लिए आए। जेल अधिकारी और कर्मियों के सामने अजहर और फरदीन ने धारदार टीन से नूर पर हमला कर दिया। इसमें नूर जख्मी हो गया। यह देखकर नूर का साथी किशोर रामटेक और असलम शेख वहां आए। उन्होंने नूर की मदद से अजहर और फरदीन पर हमला किया। दोनों की लात घूसों से जमकर धुनाई कर दी। अचानक हुई वारदात से जेल में हड़कंप मच गया। अधिकारियों कर्मियों ने दोनों गुट को अलग किया। जेल प्रशासन घटना को निपटाना चाहता था, लेकिन बवाल मच जाने से रात को धनतोली थाने को सूचना दी गई। इसके आधार पर धनतोली पुलिस ने अजहर और फरदीन के खिलाफ जख्मी करने और नूर आलम किशोर रामटेक असलम शेख पर मारपीट का एनसी मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश साकुलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।